लगी तेरे इश्क में और बदनाम नहीं हो सकते। दीपक भैया, तेरे इश्क में और बदनाम नहीं हो सकते। हाँ अब हम और नीलाम नहीं हो सकते। हाँ अब हम और नीलाम नहीं हो सकते। जो बदनाम किया आपने वो सरेआम नहीं हो सकते। वो सरेआम नहीं हो सकते। और इतने पर भी नाले बदला। चिराग भैया देखिएगा, इतने पर भी नाले बदला, हम इतने नाकाम नहीं हो सकते। एक शेर और देखिएगा कि आजकल मासूमियत उसकी आंखों में दिख रही है। आजकल मासूमियत उसकी आंखों में दिख रही है। बाज़ारों में तो आजकल मोहब्बत भी बिक रही है। बाज़ारों में तो आजकल मोहब्बत भी बिक रही है। हमने उसकी सहेलियों से पता किया है। हमने उसकी सहेलियों से पता किया है। मोहतरमा हम पे भी शायरी लिख रही है। एक शेर और देखिएगा कि हमने एक खत तुम्हारे नाम लिखा है, जैसे तैसे करके जो ये पैगाम लिखा है। हमने एक खत तुम्हारे नाम लिखा है, जैसे तैसे करके जो ये पैगाम लिखा है। पहली फुर्सत में भुला देना हमें, ये काम लिखा है। और खत में पहले नाम तेरा, खत में पहले नाम तेरा, और आखिर में तेरा आशिक बदनाम लिखा है। आखिर में तेरा आशिक बदनाम लिखा है। एक शेर और देखिएगा दीपक भैया की, जान कभी तू मान लिया कर मेरी बातें, वसल के किस्सों के साथ याद आती हैं तेरी बातें। चिराग भैया देखिएगा की, जान कभी तू मान लिया कर मेरी बातें, वसल के किस्सों के साथ याद आती हैं तेरी बातें। महफिल तुम्हारी थी और गज़लें हमारी, महफिल तुम्हारी थी और गज़लें हमारी, फिर क्यों बहाने से आपने छेड़ी बातें, फिर क्यों बहाने से आपने छेड़ी बातें। और एक ये छोटी सी गज़ल है दीपक भैया ही देखिएगा कि, कहते हैं इश्क बला है, कहते हैं इश्क बला है, मगर इश्क करने मेरा मन चला है, मगर इश्क करने मेरा मन चला है। अभी ना समझ हैं इस खेल में हम, अभी ना समझ हैं इस खेल में हम, हमें क्या पता क्या बुरा क्या भला है, हमें क्या पता क्या बुरा क्या भला है। और जब से है जाना गैर को आते हैं तुम्हारे ख्वाब, जब से है जाना गैर को आते हैं तुम्हारे ख्वाब, ये जानकर मेरा मन बहुत जला है, ये जानकर मेरा मन बहुत जला है। कैसे तोड़ देते हो तुम इतने दिलों को, कैसे तोड़ देते हो तुम इतने दिलों को, है जानना ये तुमसे क्या ये सच में कोई कला है। एक शिकायत देखिएगा मेरी चिराग भैया, आपको नज़र करना चाहूँगा कि, अब मैं तुझे और याद नहीं करूँगा, तुझसे मिलने की कोई फरियाद नहीं करूँगा। अब मैं तुझे याद नहीं करूँगा, तुझसे मिलने की कोई फरियाद नहीं करूँगा। कि अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, कोई हरकत तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, कोई हरकत तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। कि अब मैं तेरे रास्ते से भी नहीं गुजरूँगा, कि अब मैं तेरे रास्ते से भी नहीं गुजरूँगा। यकीन कर अब मैं पहले से भी ज़्यादा सुधरूंगा, यकीन कर अब मैं पहले से भी ज़्यादा सुधरूंगा। तेरे प्यार को दिल से निकालूंगा और यादें भी मिटाऊंगा, तेरे प्यार को दिल से निकालूंगा और यादें भी मिटाऊंगा। शराफत में रहकर अब मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, शराफत में रहकर मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। और लास्ट का ये शेर देखिएगा दीपक भैया, बहुत ही गहरा शेर है कि, यकीन कर मेरी जान इस बार मैं तुझे भूल जाऊंगा, यकीन कर मेरी जान मैं इस बार तुझे भूल जाऊंगा। मुस्कुरा के तो देख ले एक बार, मैं तेरे लिए 100 गुना भी कबूल जाऊंगा। देखिएगा कि एक प्रेमिका थी हमारी, एक प्रेमिका थी हमारी, नाराज़ हो गई, चले गई दूसरे मोहल्ले में, मम्मी चले गए पीछे पीछे, दीवाने थे उसके। तो वहाँ जाके मेरी और उसकी जो बात हो रही है वो मैंने कुछ इस तरह से लिखी है, अब ज़रा गौर फरमाइएगा कि, कहती है कुछ खास समझ नहीं है तुम्हें शायरी की, कहती है कुछ खास समझ नहीं है तुम्हें शायरी की, तू कलाकार है क्या, तू कलाकार है क्या। कहती है बिक जाओगे यहाँ, ये सस्ता बाजार है क्या, ये सस्ता बाजार है क्या। और कहती है फिक्र हो रही है तुम्हारी, तू मेरी हकदार है क्या। और कहती है हमारी चलती है यहाँ, अरे तेरे बाप की सरकार है क्या, अरे तेरे बाप की सरकार है क्या। एक और देखिएगा कि इसका एक टाइटल है कि, अच्छा नहीं होता तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यूँ सबको फंसाना अच्छा नहीं होता, यूँ सबसे दिल लगाना अच्छा नहीं होता, यूँ सबको फंसाना अच्छा नहीं होता, यूँ सबसे दिल लगाना अच्छा नहीं होता। पहले तो दिल से लगा लेती हो, पहले तो दिल से लगा लेती हो, फिर करना बहाना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। कभी आईफोन तो कभी डायमंड रिंग मांगती हो,
कभी आईफोन तो कभी डायमंड रिंग मांगती हो, यूँ नखड़े दिखाना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। एक रिप्लाई भी चार घंटे में देती, एक रिप्लाई भी चार घंटे में देती हो, यूँ आशिकों को तड़पाना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और लास्ट का देखिएगा कि जब निभा नहीं सकती तो करती क्यों हो, जब निभा नहीं सकती तो करती क्यों हो, यूँ दिल लगा कर जाना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अंत में एक शेर कहना चाहूँगा, उसी के साथ अपनी जगह लूँगा कि क्यों अक्सर खामोशी में घिर कर ही लोग कायर बने हैं, क्यों अक्सर खामोशी में घिर कर ही लोग कायर बने हैं, एक हम हैं जो अपने जज्बात लिख कर शायर बने हैं।